अरे ये क्या, एक आइलैंड नजर आया मुझे, एक आइलैंड नजर आ रहा है। ये इंडीज है, हम फाइनली इंडीज पहुंच ही गए। और ऐसे कोलंबस नए कॉन्टिनेंट पहुंचने में सफल हुआ था। जिस जगह को कोलंबस इंडीज समझ रहा था वो एक्चुअली अमेरिकन कॉन्टिनेंट था। अब फिर कोलंबस के अलावा मैगलन पहला इंसान था जिसने ग्लोब का पूरा चक्कर लगाया था, और स्टीमन पहला इंसान था जिसने ट्रॉय के अवशेष खोजे थे। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी बड़े सपने देखो कोलंबस और मैगलन की तरह। तो बच्चों, इस लेसन को पढ़ाने का हमारा एक ही मकसद था कि आप भी उनकी तरह सपने देखो। देखोगे ना? यस सर। नोबिता, उठो नोबिता। जी सर। मैंने बड़े सपने देखने के लिए जरूर कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सपनों को देखने के लिए क्लास में ही सो जाओ। जाओ बाहर जाकर खड़े हो जाओ। मुझे फिर से डांट पड़ी आज, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तुम इतना दुखी मत हो नोबिता। सोने के मामले में तो तुमने कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया है नोबिता। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक है, बस बहुत हो गया। मैं इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी करूंगा और सर को हैरान कर दूंगा। हे बुद्धू, क्या तुम सच में कोई डिस्कवरी कर सकते हो? अरे नोबिता, डिस्कवरी करने की बातें तो पुरानी हो चुकी हैं। नया जमाना है, नई बातें करो। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये इतना उदास क्यों है? मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो। हम क्या करें, हम पैदा ही ऐसे दौर में हुए हैं। मैं घर आ गया। वेलकम होम। नहीं, इस महीने फिर से खर्चा ज्यादा हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? वो दोनों कहते हैं कि ड्रीम्स और एडवेंचर्स अच्छे होते हैं पर रियलिटी नहीं। कुछ कहा तुमने नोबिता? नहीं कुछ नहीं, वो दोनों सही कह रहे हैं। हम एक बोरिंग एज में पैदा हुए हैं जहां हम कुछ डिस्कवर नहीं कर सकते। अगर तुम आज ये कह रहे हो तो सोचो उनका क्या होगा जो 22nd सेंचुरी में जी रहे हैं। उस समय तो हिस्ट्री को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। पर कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, और डिस्कवरीज होती रहेंगी। जैसे कि हो सकता है कि हम नए कॉन्टिनेंट की तलाश कर सके, हम डायनासोर्स के फॉसिल्स को ढूंढना जारी रख सकते हैं, और पास्ट की कई चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। हर एज में ये काम हो सकता है, बस ये काम करने की चाह होनी चाहिए। मेरी बात पर विश्वास करना। तो फिर मुझे डायनासोर के फॉसिल्स या एशियन रुइंस ढूंढने का गैजेट दे दो। मेरी बात सुनो, ये काम तुम एक या दो दिन में नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हारे मन में पक्का विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल अटूट। तुम्हारे इरादे बदलने नहीं चाहिए। तुम्हारे पास कोई गैजेट है या नहीं? हाँ मेरे पास है, मगर इससे तुम उन चीजों को देख सकते हो जो 22nd सेंचुरी में डिस्कवर होंगी। याद रखना, ये वो चीजें होंगी जो आज के जमाने में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानेगा। अब तुम जरा यहाँ देखो। हाँ, इस एरिया में काफी सारी डिस्कवरीज हुई हैं। तुम सही हो डोरेमोन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम जरा देखो तो। अगर तुम थोड़ी कोशिश करो तो तुम भी डिस्कवरीज कर सकते हो। सर्चिंग मोल। अब ये क्या है डोरेमोन? ये कोई ऑर्डिनरी मोल नहीं है, इसकी नोज की टिप एक सेंसर है, और ये उन चीजों को सर्च करता है जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं। इसका यूज करो और फिर तुम अपनी खुद की डिस्कवरीज कर पाओगे नोबिता। थैंक यू वेरी मच। अरे मुझे नोबिता के ऊपर पूरा विश्वास है। क्या तुम सच कह रहे हो नोबिता? क्या तुम श्योर हो कि हमें कुछ मिलेगा? तुम सब ये देखो, ये एक सर्चिंग मोल है। क्या ये डायनासोर फॉसिल और एंशियंट रुइंस फॉरेस्ट को सर्च करेगा नोबिता? बताओ जरा। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक मेटल डिटेक्टर की तरह है जियान। क्या तुम्हें पता है कि मेटल डिटेक्टर का यूज कब करते हैं? जब हमें किसी ट्रेजर को ढूंढना होता है तब। अच्छा, हम सभी हिस्टोरिकल डिस्कवरी कर सकते हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, हमें अभी ही कुछ मिल गया है। क्या बात है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पर देखो, ये क्या है? अभी देखते हैं, अभी निकालता हूँ। हाँ, अरे ये तो सिर्फ एक पुरानी बॉटल है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ग्रेट डिस्कवरी है? मुझे ऐसा लगता है ये मोल खराब है।
ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसे वार्म अप तो होने दो यार। चलो हम कहीं और जाकर ट्राई करते हैं। हाँ, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है हमें यहाँ कुछ मिलेगा? हमें यहाँ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अरे ये कहाँ जा रहा है? लगता है इसे कुछ मिल गया है। देखो, बॉटल के बाद हमें अब एक 5 रुपए का सिक्का मिला है। ये तो अजीब बात है। मेरे ख्याल से हमें किसी ऐसी जगह खोदना चाहिए जहाँ हमें कुछ मिलने की उम्मीद हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई डिवाइस है जो हमें इस बारे में बताए? शायद डोरेमोन की हिस्टोरिकल मैप से कुछ मदद मिल जाए। अगर वो इतने काम की चीज है तो उसे जल्दी लेकर आओ। याद आया, स्कूल के पीछे वाले ओटानू की श्राइन पर मार्क्स थे। मुझे लगता है हमें वहीं पर जाना चाहिए, हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या सच में? चलो चलते हैं। आखिर हमें यहाँ क्या मिलेगा? चलो नोबिता, बताओ हमें। हाँ हाँ। द ग्रेट रकून डॉग। क्या बस यही था? hey, क्या तुम्हें किसी भी एंगल से ये फॉसिल नजर आता है? इस रकून डॉग में कोई खास बात नहीं है। जियान ने ठीक कहा। ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी स्कूल के पीछे वाली हिल बाकी है। चलो वहाँ पर जाकर ट्राई करते हैं, और अगर हमें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला तो मैं डोरेमोन को छोड़ूंगा नहीं। अच्छी, मुझे जुकाम हो गया है। अब तक तो नोबिता ने कुछ डिस्कवर कर ही लिया होगा। हे नोबिता, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर हमें यहाँ कुछ नहीं मिला तो याद रखना, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। मेरा मतलब समझ गए ना तुम? तुम्हें पता है क्या करना है? मुझे पता है। ठीक है, मेरी बात सुनो, पूरी मेहनत से काम करना। रुको, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। तुमने उसे क्यों रोका जियान? नोबिता, चलो इस जगह के बारे में भूल जाते हैं और इसे कहीं और सर्च करने को कहते हैं। मगर ये तो कुछ ढूंढने ही वाला था जियान। चुप हो जाओ, मैंने कहा ना, बस बहुत हो गया। ए, सुनो, यहाँ कुछ है। अरे रुक जाओ, सुनियो। अरे ये क्या है? अरे ये तो हमारे पिछले हफ्ते का टेस्ट है, देखो 0। अरे देखो, इस टेस्ट में तो मुझे 12 मार्क्स मिले थे। पता नहीं नोबिता अभी तक कहाँ चला गया है। हे, क्या तुमने नोबिता को देखा है? उसकी चिंता किसे है? ये जियान इतना गुस्से में क्यों है? अरे सुनियो, अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरी ये हालत तुम्हारे गैजेट की वजह से हुई है, समझे? ये कितनी गलत बात है ना डोरेमोन। तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक कुछ डिस्कवर किया या नहीं? डोरेमोन, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे अजीब सा गैजेट दिया। बड़ी अजीब बात है। अरे हाँ, मुझे पता है। देखो नोबिता, ये सर्चिंग मोल 22nd सेंचुरी को बिलोंग करता है। तुम्हारा मतलब क्या है? वेल, अगर 22nd सेंचुरी में जाकर देखोगे तो स्टैचू ऑफ रिकून डॉग, बॉटल्स और 5 रुपए का सिक्का, सभी चीजें पास्ट की हैं और वैल्यूएबल हैं। ओ, तो फिर वो टेस्ट जिसमें जियान को 0 मार्क्स मिले हैं, वो उसके लिए बहुत प्रेशियस है। लेकिन वहाँ क्या होगा? हो सकता है उसके नीचे कुछ और हो जो ढूंढने लायक हो। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने यहाँ पर डिग करना क्यों शुरू किया? वो मैंने तुम्हारे मैप पर इस जगह पर एक मास्क बना हुआ देखा था, इसीलिए। क्या, एक मास्क बना हुआ देखा था? चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या है। इसके नीचे तो एक एंशिएंट स्टैचू है। हमने कर दिखाया, चलो उसे बाहर निकाले। हम ऐसा नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं? फ्यूचर में इसे डिस्कवर करने वाला कोई और इंसान है। चलो देखते हैं उसका नाम क्या है। अरे जो डिस्कवर करेगा वो शायद एक 5th ग्रेड का लड़का है जिसका नाम है युटाका सानो। नोबिता, उसकी एज हमारी जितनी होती है? उसके नाम के साथ यहाँ कुछ कोटेड है। मेरे टीचर ने मुझे बड़े सपने देखने को कहा और फिर मैंने इस सर्चिंग मोल का यूज किया इधर उधर चेक करने के लिए। अपनी टीचर की बात मानकर मैंने ऐसा ही किया और कड़ी मेहनत की, और आखिर एक दिन मुझे ये स्टैचू मिल ही गया।
अच्छा मैं समझ गया, अगर हमने इसे अभी निकाल लिया तो फ्यूचर का बच्चा उसे नहीं ढूंढ पाएगा, इसीलिए डोरेमोन कुछ नहीं होता, हम ये नहीं निकालते। हाँ। मैं अपनी खुद की डिस्कवरी करूँगा चाहे कितने साल क्यों ना लग जाए। सुनो नोबिता, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। और मैं भी। नुटाका, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा।